भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धर्मशाला टेस्ट में 8 विकेट से मात देकर बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। दूसरी पारी में मिले 106 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 106 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। लोकेश राहुल ने एक बार फिर 51 रन की पारी खेली और रहाणे 38 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले मैच के चौथे दिन भारत के ओपनर मुरली विजय को 8 रन के स्कोर पर कमिंस ने विकेटकीपर मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पहला झटका दिया। कमिंस के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैक्सवेल ने पुजारा को भी रन आउट कर भारत को दूसरा झटका दिया। भारत को 2 झटके देने वाले कमिंस को भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने बल्ले से करारा जवाब दिया। रहाणे कमिंस की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर विजय जीत की ओर बढ़े। इससे पहले तीसरे दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 137 रनों पर समेट दिया। रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और उमेश यादव को 3-3 विकेट मिले और भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड के पहली पारी में 300 रनों के जवाब में भारत ने पहली पारी में 332 रन बनाए थे। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 32 रनों की बढ़त मिली थी। वहीं सीरीज में सर्वाधिक 25 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द सीरीज रहे। साथ ही धर्मशाला टेस्ट में उन्होंने कुल 4 विकेट लिए और 63 रन भी बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। तो भारत ने अपनी जमीन पर ऑस्ट्रेलिया को मात देते हुए सीरीज पर कब्जा किया है। विराट आखिर के 2 मैचों में चोट की वजह से नहीं खेल सके थे, लेकिन उनकी जगह अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। देखते रहिए डीबी लाइव।